हेलो बच्चों, वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ आईआईटी आश्रम। आई बिलीव आप लोगों का खोज का एग्जाम बहुत बढ़िया हुआ होगा और आप लोग बहुत उत्सुक होंगे अपने सॉल्यूशंस और आंसर की को टैली करने के लिए। बट बिफोर वी स्टार्ट वीडियो सॉल्यूशन, मैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। जैसा कि आपको पता है कि खोज के एग्जाम के थ्रू आपको स्कॉलरशिप मिलता है, जो भी आपका स्कोर बनता है आपको उसके अकॉर्डिंगली स्कॉलरशिप डिसाइड होता है। बट आपका स्कॉलरशिप के साथ साथ में एक एडिशनल स्कॉलरशिप दिया जा रहा है 5% का, जस्ट इन केस अगर आप 29th अक्टूबर के पहले रजिस्टर करते हैं। अगर आप कोई भी एग्जाम जो आप दे रहे हैं, अगर आप नेक्स्ट क्लास के लिए जब आप एनरोल करते हैं आईआईटी आश्रम में किसी कोर्स के लिए, जो भी आपका स्कॉलरशिप होगा उसमें 5% एड ऑन किया जाएगा अगर आप 29th अक्टूबर के पहले रजिस्टर करते हैं। मतलब अगर आपका स्कॉलरशिप 40% आता है तो आपका 45% स्कॉलरशिप कर दिया जाएगा। अगर आपका स्कॉलरशिप 50% आता है तो 50 के बजाय आपको 55% स्कॉलरशिप ऑफर किया जाएगा। एंड आई बिलीव कि ये इन्फॉर्मेशन जो है ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी और आप अपने पेरेंट्स तक ये मैसेज पास ऑन करें, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो सॉल्यूशंस। स्वागत है आपका आईआईटी आश्रम में। 6th अक्टूबर 2024 खोज का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैथ्स एंड मेंटल एबिलिटी क्लास 9th हम डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1 है, हियर आर सम वर्ड्स ट्रांसलेटेड फ्रॉम एन आर्टिफिशियल लैंग्वेज। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, MIEPIE इज ब्लू लाइट। इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट में, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट MIEPIE इज ब्लू बेरी, दोनों में जो कॉमन वर्ड है दैट इज ब्लू, और वही लेफ्ट साइड में अगर हम देखें कॉमन वर्ड तो हमारे पास में है MIE, राइट? तो इसका मतलब ये हुआ ब्लू स्टैंड्स फॉर MIE, ठीक है। अगर हम स्टेटमेंट देखें नंबर 2 और नंबर 3 दोनों में कॉमन है बेरी, तो लेफ्ट साइड में हमारे पास ईज के पहले जो कॉमन वर्ड है वो है TIE। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, जो बेरी है वो स्टैंड करेगा TIE के लिए। तो ऑब्वियस हो गया, बचा क्या? लाइट, जो हमें चाहिए क्योंकि हमें पूछा है विच वर्ड्स कुड पॉसिबली मीन लाइट फ्लाई। तो लाइट के लिए हमारे पास में क्या वर्ड आ गया? लाइट के लिए आ गया PIE, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए PIE से शुरू होने वाले दो ऑप्शंस है, राइट? अब इन दोनों में से कौन सा राइट है? ऑब्वियसली आपने गेस कर लिया है MIE इज स्टैंड्स फॉर ब्लू, राइट? तो इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? PIEZIE। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इन सर्टन कोड स्टूडेंट इज रिटन एज RSTEDMS देन हाउ वुड टीचर बी रिटन इन द सेम कोड। तो इसको हम देखते हैं, जैसे हमें पहले अल्फाबेट्स की ज़रूरत पड़ेगी तो हम ऐसा लिख देते हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। बच्चों मेरे बचपन में जितना मैंने ABCD नहीं लिखा है उतना मेंटल एबिलिटी पढ़ा के लिखा है। ओके, लेट्स बिगिन। जैसे हमारे पास में है स्टूडेंट तो हमें कैसे करना है? STUDENT, स्टूडेंट के बिल्कुल नीचे उसका हमें कोड लिखना है विच इज RSTEDMS। अब ध्यान से देखिए S के बाद R है, इसका मतलब हमारे अल्फाबेट्स में S के पहले R आ रहा है, T उसके पहले S है, U उसके पहले T है, तो आप कोड समझ ही गए होंगे। D उसके बाद E आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर एक ब्रेकअप है जहाँ पर पहले तीन लेटर्स आखिरी तीन लेटर्स के लिए प्रीवियस लेटर का कोडिंग जा रहा है और मिडल वाले के लिए
हमारे पास में नेक्स्ट लेटर जा रहा है। अगर इसी तरीके से हम टीचर का कोड जानना चाहे तो क्या होगा, टी ई ए सी एच ई आर, तो इसी तरीके से इसको भी ब्रेक कर देते हैं, फर्स्ट थ्री लेटर्स लास्ट थ्री लेटर्स, तो सी के बाद में क्या आएगा, ऑब्वियसली डी आएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी। ए के पहले क्या आएगा, तो ए के पहले हमें उल्टा जाना है एंटी क्लॉक वाइज सेंस में, जेड, तो यहाँ पर आ जाएगा जेड। ई के पहले डी आ जाएगा, टी के पहले एस आ जाएगा, एच के पहले जी आ जाएगा, ई के पहले अगेन डी आ जाएगा, आर के पहले क्यू आ जाएगा। तो आप ऑप्शन देखिए कौन सा मैच कर रहा है, एस डी जेड डी जी डी क्यू, मेरे ख्याल से आप गेस कर चुके हैं सी इज द राइट आंसर। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द नंबर इन पोजिशन ऑफ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क कहां पर है, यहां पर है, ठीक है। नाउ लुक एट द ट्राइंगल्स, इसके वर्टाइसिस पे हमारे पास में नंबर्स है, ठीक है। अब इन वर्टाइसिस को हमें मैनेज करना है, इनके बीच में कुछ रिलेशन है वो फाइंड करना है। तो आप गेस कर सकते हैं यहाँ पर डायरेक्टली, जैसे बचपन से अगर आप 8 स्टैंडर्ड से सब कुछ सीखते ही आ रहे हैं, तो एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट में हमारे पास में क्या होता है, जैसे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो हमें क्या मिलता है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करते हैं, ये जो पहला वाला फिगर है इसमें ये ग्रेटेस्ट नंबर है। सिमिलरली यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दूसरे वाले ट्राइंगल्स में जो तीन नंबर है उसमें 17 नंबर है सबसे बड़ा नंबर है, 25 है वो भी सबसे बड़ा नंबर है, राइट। तो ऑब्वियसली ये भी सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए, तो बड़ा नंबर का मतलब क्या है, इट डील्स विथ हाइपोटेन्यूज का लेंथ। तो यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्व करें 13 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर हो जाएगा फर्स्ट फिगर के लिए, सेकेंड फिगर के लिए 17 स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, थर्ड के लिए 25 स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पर कैसे करेंगे हम, सो ऑब्जर्व केयरफुली, अगर ये वैल्यू x है तो 40 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर होने वाला है, राइट। व्हाट इज 40 स्क्वायर, 1600 एंड व्हाट इज 9 स्क्वायर, 81, सो 1681। अब आप समझ गए कि हमें इसका स्क्वायर रूट चाहिए, यूनिट प्लेस क्या है, 1 है, तो स्क्वायर रूट तो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं निकालेंगे हम, क्यों, क्योंकि अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे इसका जो यूनिट प्लेस 1 ही जनरेट होगा और 1 यहां पर है, सो ए इज द करेक्ट आंसर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द लेटर टू बी प्लेस्ड इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फिगर गिवन। अब ये हमारा फिगर है बच्चों, नाउ वंस अगेन रिकॉल द थिंग्स, ये अल्फा न्यूमेरिक है, इसके अंदर हमारे पास में नंबर्स है और लेटर है, ये एक स्क्वायर है जिसमें एक लेटर अलॉट किया गया है। तो अगर मैं ट्राई करूं मतलब ऐसे ही कि जैसे L है और मैं अगर एडिशन ले लेता हूं इन नंबर्स का, सो 3 प्लस 5 प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ओके। सिमिलरली सेकेंड में अगर मैं S लेता हूं तो ये एडिशन क्या होगा, 9 प्लस 6 15 प्लस 4 19, ये 19 हो जाएगा। थर्ड में P स्टैंड्स फॉर 7 प्लस 1 8 प्लस 8 16। लास्ट स्क्वायर जहां पर क्वेश्चन मार्क है हमें लेटर नहीं पता, और इधर देखेंगे तो 8 प्लस 3 11 प्लस 2 13। अब वंस अगेन बचपन में चले जाते हैं, अल्फाबेट्स ए बी सी डी ई
एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू .. जेड। मैं आगे नहीं लिख रहा हूँ, जैसे अगर मैं इसको वन नंबर दे दूँ, इसको टू नंबर दे दूँ, इसको थ्री नंबर दे देता हूँ मैं, इसको फोर, इसको फाइव। अब आप समझ ही गए होंगे ऐसा करके 26 तक जाएंगे हम। फाइन, सो लुक एट द नंबर 12, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। देखिए 12 की पोजीशन पे एल आ रहा है, इससे आगे जाएंगे 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो क्यू के बाद आर आएगा, आर के बाद एस आएगा, तो ये भी मैच हो गया। तो सिमिलरली 13 की पोजीशन पे कौन होना चाहिए, सो 13 में एम होना चाहिए। सो व्हाट शुड बी आर आंसर, ए विच इज लेटर एम इज द आंसर। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बचपन में आप लोगों ने खेला होगा, जैसे जूनियर में, सीनियर में, ऑब्वियसली केजी। हम उसमें जो जंबल्ड हमारे पास में डायग्राम होता है, मतलब वो पेपर कटिंग्स होते हैं, हम उसको फोल्ड करके लगाते हैं, बस वही यहाँ पर करना है। आइडेंटिफाई विच अमंग द पीसेस गिवन बिलो विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द ट्राइंगुलर पैटर्न एज शोन बिलो। ऑब्वियस है, हमें ट्राइंगल चाहिए, वी वॉन्ट ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल बनेगा कैसे, सो प्लीज अंडरस्टैंड, ये हमारा ट्राइंगल हो गया, अब ट्राइंगल के अंदर आप समझ ही गए होंगे कि अगर मैं इस पर्टिकुलर फिगर को फिट करना चाहता हूं तो वो यहां फिट हो जाएगा इस तरीके से। अगर मैं ये पर्टिकुलर फिगर को लूं तो वो यहां पर फिट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, ये हमारा P है और ये हमारा S है, तो उन दोनों को अगर यहां फिट कर दिया जाए तो पूरा ट्राइंगल कंप्लीट हो जाता है। सो व्हाट इज लेफ्ट, द लेफ्ट फिगर इज Q, सो आंसर इज A Q। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच सिंबल रिप्लेसेस द क्वेश्चन मार्क, फिगर बिलो रिप्रेजेंट्स अ बैलेंस। बैलेंस का मतलब होता है जो हमारा ऑर्डिनरी वेइंग मशीन होता है, तो ये बैलेंस है। अब इसमें अगर आप देखें क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है, तो अगर आप तुक्का भी लगा दें डायरेक्टली, क्वेश्चन मार्क और सर्कल है और यहाँ पर चार ऑप्शन है, सर्कल यहाँ पर है तो स्क्वायर क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, तो आंसर डी हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है, सो लेट अस चेक। एक्स ओ ये ऑब्जेक्ट है, सिंबलाइज फॉर्म है, एक्स ओ इज इक्वल टू स्क्वायर, तो हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स प्लस ओ इक्वल टू स्क्वायर, देन टू स्क्वायर इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 x। एक्स यहां पर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ओ, तो हम क्या करेंगे, 6x हमें ढूंढना है तो उसकी वैल्यू निकालेंगे। यहां पर 2 स्क्वायर इक्वल टू 7x है, अगर इसे हम देखें तो 7x इक्वल टू 2 स्क्वायर, देयरफॉर 6x प्लस एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स स्क्वायर। x को शिफ्ट कर देंगे RHS में, तो हमें मिलेगा 6x इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस एक्स। लुक एट द फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ से हमें कुछ मिल रहा है, व्हाट इज x प्लस ओ, एक्स प्लस ओ ही स्क्वायर, तो यहाँ से हमें x मिलेगा स्क्वायर माइनस ओ, तो यहाँ पर हम रिप्लेस कर देते हैं 2 स्क्वायर माइनस, x की जगह पे हम लिखेंगे स्क्वायर माइनस ओ, राइट, तो हमें मिलेगा 2 स्क्वायर माइनस स्क्वायर प्लस ओ। अब ये हो जाएगा
स्क्वेयर प्लस ओ, राइट? व्हाट इज स्क्वेयर प्लस ओ? ये 6x हो गया। तो हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन मार्क एंड ओ है, इसका मीनिंग क्या हुआ? 6x इज नथिंग बट क्वेश्चन मार्क प्लस ओ, और यहां पर हमें क्या मिला? क्वेश्चन मार्क की जगह पे स्क्वायर मिल गया। सो आंसर इज सी, स्क्वायर। व्हेन ऑन द बेसिस ऑफ द फोर पोजीशंस ऑफ डाइस गिवन बिलो फाइंड द कलर ऑफ द फेस अपोजिट टू येलो। अब ध्यान से देखिए, येलो कहां पर है? दिस इज येलो, राइट? यहां पर भी येलो है, और कोई डाइस में हमें येलो नहीं दिख रहा है। तो यहां पर एक सिंपल सा ट्रिक है, जब बहुत सारे हमारे पास डाइसेस होते हैं तो हम क्या करेंगे, उसके एडजेसेंट वाले जो भी स्क्वायर से सरफेसेस है वहां पर कौन सा कलर आएगा वो हमें देखना है। सो इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, येलो अगर हम टॉप पे रखे तो जो स्टैंडिंग सरफेसेस है उसके ऊपर कौन सा आ रहा है? ब्लू आ रहा है, ग्रीन आ रहा है, ब्लू ग्रीन, राइट? अगर हम ये वाले पर्टिकुलर डाइस की बात करें तो अगर इसे मैं टॉप पे रख दूं घुमा के ऐसे अपसाइड डाउन, मतलब रो, आप समझ रहे ना इसको, हमें पूरा लेफ्ट साइड में इस तरीके से टॉप पे लाना है येल्लो को ऐसे, तो ब्लू ऑलरेडी हमारे पास सरफेस पे है, तो हम क्या करेंगे, रेड को काउंट करेंगे, तो रेड हमारे पास में आ गया। अब रेड कहां पर है और? तो यहां पर रेड है। अगर रेड को मैं लेके जाऊं स्टैंडिंग वाले सरफेस पे, इसको ऐसा रोटेट करके, तो ऑब्वियसली रेड के बाजू में क्या आ जाएगा? पिंक आ जाएगा। तो हमारे पास में सारे कलर्स आ गए जो स्टैंडिंग सरफेस पे होंगे। तो अब कौन सा कलर बच गया? सो ऑब्वियसली इंडिगो बच गया। तो हमारा आंसर क्या है? ए, इंडिगो। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर द सर्कल रिप्रेजेंट्स यूथ। देखिए ध्यान से, ये सर्कल है जो यूथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर हमारे पास में आगे है ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स फुटबॉलर्स। तो ये ट्राइंगल है जो फुटबॉलर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स एथलीट्स। ये जो रेक्टेंगल है वो एथलीट्स के लिए है, राइट? व्हाट इज द क्वेश्चन, विच लेटर और लेटर्स रिप्रेजेंट और रिप्रेजेंट्स एथलीट्स अमंग यूथ्स हु आर नॉट फुटबॉलर्स। बराबर है? तो आप अगर ध्यान से देखें, एथलीट्स अमंग यूथ्स मतलब जो एथलीट्स है और वो यूथ भी होना चाहिए, तो एथलीट्स में यूथ सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे पास में दो ऑप्शन आ गए, एफ एंड जी, लेकिन उसमें कंडीशन क्या है? हु आर नॉट फुटबॉलर्स, मतलब वो फुटबॉलर्स नहीं होने चाहिए। अब फुटबॉलर कौन है? ट्राइंगल की शेप वाले, तो इसका मतलब एफ निकल जाएगा, तो बचा क्या? जी। सो जी इज द आंसर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, मेंटल ability, reasoning। अब हर एक वर्ड को एक नंबर असाइन किया गया है। मेंटल इज 390, एबिलिटी इज 546, रीजनिंग इज 918। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखिए, हम वापस से अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में जाएंगे, ए बी सी डी ई एफ ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, नंबर्स भी लिख देंगे।
ओके, अब इसके अंदर हम अगर मेंटल को देखें, तो हर एक लेटर का एक कोड निकलेगा। जैसे M का कोड है 13, देन E का कोड है, M का 13 हो गया, E का कोड है 5, इन सबको हम ऐड करते जाएंगे, देन N का कोड है 14, ओके, T का कोड है 20, A का कोड है 1 एंड L का कोड है 12। ये सारे कोड्स को ऐड कर देंगे, 3, 5, 8, 4, 12, 13, 2, 15, 1 carry, 1 plus 1, 2, 3, 2, 5, 1, 6, 65 एडिशन आ गया। ओके, लेट अस काउंट द नंबर ऑफ लेटर्स इन मेंटल, कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या मिलेगा, 6, 5, 30, 3 carry, 6, 6, 36 plus 3, 39, 390। देखिए ये हमारा कोड मैच हो गया। तो इन सिमिलर मैनर एबिलिटी एंड रीजनिंग के लिए आप जब ये सिमिलर पैटर्न अप्लाई करेंगे तो कॉम्पिटेंसी के लिए यू विल गेट द आंसर 1190। लेकिन आप भूलिएगा मत, मेंटल में 6 लेटर है, इसके लिए 6 से मल्टीप्लाई किया, एबिलिटी में जितने लेटर्स होंगे आपको उसका एडिशन उससे मल्टीप्लाई करना होगा, रीजनिंग में भी सेम एंड कॉम्पिटेंसी में भी सेम। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 10, विच ऑफ द गिवन ऑल्टरनेटिव इज द मिरर इमेज ऑफ रीजन इफ द मिरर इज प्लेस्ड बिलो द वर्ड। यहां पर हमारे पास में वर्ड है रीजन, REASON, हमें मिरर प्लेस करना है यहां पर नीचे बच्चों, सो दिस इज आवर मिरर, और मिरर में फिजिक्स का हमारा एक प्रॉपर्टी लगेगा, हम जितने डिस्टेंस पे मिरर के सामने खड़े रहते हैं उतनी ही डिस्टेंस पे मिरर के अंदर इमेज होता है। तो यहाँ पर अगर मैं सिर्फ एक ही लेटर पे फोकस करूँ, से विच इज़ आर, तो ये पॉइंट आर जितना डिस्टेंस बना रहा है मिरर से उतना ही इमेज में आएगा। जैसे ये डिस्टेंस अगर कुछ यूनिट्स है तो उतना ही नीचे हमें यहाँ पर ये पॉइंट मिलेगा। सिमिलरली ये जो लेंथ है पूरी की पूरी जितनी भी होगी उतनी ही लेंथ यहाँ पर हमें काउंट करनी है। ये जो एक शेप है डी का, वो डी शेप यहाँ पर आ जाएगा उल्टा, और ये जो एक्स्ट्रा स्ट्रोक है वो ऐसे आ जाएगा। तो ऐसे करते करते जब आप सारे लेटर्स को कंप्लीट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा डी। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्प्रिंटर गोज ऑफ द स्टार्टिंग ब्लॉक फॉर 100 meter रन एंड एट दैट इंस्टेंट द सेकेंड हैंड ऑफ अ स्टॉप वॉच हैंड पॉइंटेड टूवर्ड्स नॉर्थ। He touches the finishing line exactly after 12 seconds. बहुत important. In which direction did the second hand point when he just crossed the finishing line? देखिए बच्चों, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि कोई दौड़ रहा है 100 मीटर की रेस, लेकिन ये सवाल है क्लॉक का। अब कैसे होगा ये, तो हमें क्या करना है, एक सर्कल ले लेना है। अब इस सर्कल के अंदर जब रेस स्टार्ट हुई तो 12 के ऊपर पॉइंटिंग हो रही है, राइट? अब वो कितना सेकेंड दौड़ा फिनिशिंग लाइन पे, 12 सेकेंड्स लगे उसको। अब 12 सेकेंड्स अगर हम देखें तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, राइट? ये हो गया आपका 5 सेकेंड्स, ये हो गया आपका 10 सेकेंड्स, ये हो गया आपका 12th सेकेंड। ये 12 सेकेंड के अंदर ये जो एंगल बना, अब हमारे पास में क्लॉक में कैसा है कि 1 सेकेंड में जो सेकेंड हैंड मूव करेगा वो 6 degree होगा, सो 12 सेकेंड्स में जो मूवमेंट होगी वो 72 degree की होगी, राइट? लेकिन हमारा सेकेंड हैंड एक्चुअली मूव कर रहा है इस तरीके से, और वो कहाँ पर जा रहा है, अगर ये नॉर्थ डायरेक्शन है तो ये ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी, राइट? तो ये ईस्ट हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, ये टोटल 90 डिग्री है, 90 में से आप 72 निकाल दीजिए, जो बचेगा वो 18 डिग्री होगा, तो हमारा आंसर हो गया 18 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि ये वाला नॉर्थ ईस्ट हो गया और वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम सेट्स इंडिकेट द रिलेशन बिटवीन
मदर्स एंड पेरेंट्स एंड अ वुमन, राइट। तो हमारे पास में तीन सेट है, एक वुमन का, एक मदर एंड एक पेरेंट। अब जब हम डायग्राम देखेंगे बच्चों, तो सब लोगों को देखते ही पता चल जाएगा कि आंसर भी करेक्ट है, लेकिन वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर हम एक बड़ा सा सर्कल बनाएंगे जो रिप्रेजेंट करेगा पेरेंट को, राइट। तो यहाँ पर पेरेंट्स आ गया। एक छोटा सा सर्कल ले लेंगे जो रिप्रेजेंट करेगा वुमन्स को, और जो इंटरसेक्शन में वुमन्स आ गई वो ऑटोमेटिकली मदर्स बन गई, राइट। तो आंसर इज ए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मिरर इमेज ऑफ B3K4S? देखिए, अभी अभी हमने एक सवाल किया था मिरर इमेज, जहां पर हमें रीजन वर्ड के नीचे बिलो मिरर रखना था, यहां पर साइड में है। तो अगर सेम आप यहां पर लॉजिक अप्लाई करेंगे मिरर के लिए, तो आपको क्या करना है? वही लॉजिक अप्लाई करना है जो रीजन के लिए किया था, तो आंसर आ जाएगा ये, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टर्म्स विल फिल द ब्लैंक स्पेसेस ZXVTR --, ओके। तो इसमें हमें जरूरत पड़ेगी अल्फाबेट्स की, लेट अस राइट डाउन। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास में OK, KS, PN, NM, तो पूरा हमें ABCD लिखने की जरूरत नहीं है। मैं काम करता हूँ L से स्टार्ट करता हूँ, LMNOPQRST UVW XY and Z, ओके। लुक नाउ, Z2X -2, राइट। आप कभी कभी -1 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। X2V, अगेन एक लेटर छोड़ दिया, -2। V2T, अगेन -2। T2R, R2P, P2N, तो आप देख सकते हो हमारे आंसर्स क्या हो गए, PN, सो द ऑप्शन इज D। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द डे ऑन 22nd Jan 2020? देखिए बच्चों, ये सवाल करने के लिए हमारे पास में कॉन्सेप्ट होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट, तो जल्दी से आपको समझ में आएगा। यहाँ पर हम अगर बात करें 22nd Jan 2020 की, ठीक है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, 2020th ईयर इम्पॉर्टेंट है, हमें इसका ब्रेकअप करना होता है। तो पहले 2000 साल, फिर उसके बाद में 2001 से लेके 2019th ईयर, एंड लास्ट में हमारा आएगा 2020th ईयर, राइट। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जैसे ये नंबर है डिविजिबल बाय 400 है, तो जो ऑड डेज का खेल है, ऑड डेज, तो इसमें ऑड डेज जीरो आ जाएंगे। अब ये जो 2001 से 2019 है, इसमें 4 से डिविजिबल कितने हैं, तो 2004 4 से डिविजिबल है, 2008 4 से डिविजिबल है, एंड सो ऑन। तो अगर आप डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 2004 2008 2012 2016, दैट्स इट। हमारे पास 4 साल है जो लीप ईयर में है, तो ऑर्डिनरी कितने हो गए, 15 हो गए। लीप ईयर में हमारे पास में 4 साल है, यहाँ पर 15 हो गए। लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, टोटल ऑड डेज 8 हो गया। 15 में ऑर्डिनरी में 1 ऑड डे होता है, तो 15 साल का 15 ऑड डेज हो गया। अभी अगर हम इसमें वीक्स निकाल दें तो 8 करस्पॉन्ड्स टू 1 हो जाएगा, और 15 भी करस्पॉन्ड्स टू 1 हो जाएगा, 7 × 2 = 14 + 1। फिर हमारे पास में आता है 2028, उसमें हमें 22nd जैन तक जाना है, मतलब हमारे पास में टोटल 22 दिन है, हमें ये दिन भी काउंट करना है, 22nd डे भी हमें काउंट करना है। सो 22nd को अगर हम डिवाइड करें तो 7 × 3 = 21 + 1, तो अगेन ऑड डे कितना आ गया, 1 आ गया। तो
तो हमारे पास में अब टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हैं, लेट अस अंडरस्टैंड। ये जीरो हो गया, ये वन हो गया, ये वन हो गया और ये वन हो गया। टोटल काउंटिंग में हमारे पास ऑड डेज आ गए 3। राइट, अब हमारे पास में एक टेबल है कोडिंग के लिए, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। राइट, अब इसमें कोडिंग इस तरीके से चलती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमारे पास ऑड डेज 3 आया था और ऑड डेज 3 में कौन सा डे दिखा रहा है, वेनसडे। सो द आंसर इज ऑप्शन सी, वेनसडे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपका मेंटल एबिलिटी कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स बिगिन विथ मैथमेटिक्स।